हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री टिक्स। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्चुअली ट्रिक बताई है कि हाउ टू रिमेम्बर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, फर्स्ट वन डेफिनेशन क्या है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर वे में। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इन इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? दोज प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन टू द सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इन शॉर्ट, इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। एंड एक्सटेंसिव का मतलब होता है डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नाउ, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नाउ। ओके, अब ये कंसेप्ट क्या है, ये क्या चल रहा है, एकदम इजी पार्ट है। देखो, मेरे पास अभी एक टेस्ट ट्यूब है, कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वाटर ऐड किया है, ठीक है। इसमें क्या है, अभी वाटर फिल किया गया, टेस्ट ट्यूब है, सपोज इट इज अ 10 ml ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो ऑब्वियसली इसमें जो वाटर होगा, कंसिडर करते कि ये 5 ml ऑफ वाटर है इसमें प्रेजेंट। कितना ml ऑफ वाटर है? 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये वॉल्यूम हुआ, ठीक है। वाटर है, वाटर का जो रूम टेम्परेचर होता है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मली 10 degree Celsius। मतलब इसका टेम्परेचर कितना है स्टिल नाउ? 10 degree Celsius। ऑफकोर्स वाटर है तो उसको, जैसे इसका वॉल्यूम है वैसे उसका क्या होगा, यहाँ पे मास भी होगा। तो कंसिडर करते हैं इसका मास, जो यहाँ पे मैंने जस्ट कंसिडर किया ऑल वैल्यूज, इट इज नॉट अ एग्जैक्टली कैलकुलेटेड वैल्यूज नाउ, ठीक है। तो इसका मास जो है, वो मास हम यहाँ पे लेते अगेन कंसिडर इट इज अ, ठीक है, वैल्यू थोड़ा चेंज करते आपको प्रॉब्लम ना आए, 4 ग्राम ना। इसका मास कितना है यहाँ पे? 4 ग्राम है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कितना लिया मैंने? 5 ml ऑफ वॉल्यूम लिया। टेम्परेचर कितना लिया यहाँ पे? 10 degree Celsius लिया। मास कितना लिया है यहाँ पे? 4 ग्राम लिया ना, ठीक है। अब देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने कंसेप्ट क्या बोला है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? दोज प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन टू द सिस्टम ना। अब ये मैंने सिर्फ टेस्ट ट्यूब ली है यहाँ पे, बराबर है। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक बड़ा वाला जार ले रही हूँ या फिर कंटेनर है अभी यहाँ पे, ठीक है। जार लेते थोड़ा सा बड़ा वाला, या फिर कंटेनर ही बोलते चलो, ठीक है, कंटेनर लिया। अब ये एकदम बड़ा वाला कंटेनर है, ठीक है, जो घर में हमारे वाटर की टंकी होती है उसी टाइप में कंसिडर करते। अब ये जो वाटर की टैंक है या फिर कंटेनर है, इसमें भी वाटर फिल है, ऑफ कोर्स ये ड्रिंकिंग वाटर है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? सपोज इट इज अ 1000 ml ना। कितना है अभी इसका वॉल्यूम? 1000 ml। मतलब लीटर के हिसाब से देखोगे तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 1 liter होगा ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अनदर पार्ट, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट हियर? H2O। इसका टेम्परेचर कितना आएगा? वाटर जो घर में होता है, कौन सा भी वाटर ले लो, ड्रिंकिंग वाटर होगा या फिर जो हम यूज करते हैं घर में अदर चीजों के लिए वाटर, उसका टेम्परेचर कितना होगा? 10 degree Celsius ही होगा ना, या फिर उसका टेम्परेचर अलग होता है? नहीं होता है ना। तो उसका भी टेम्परेचर मैंने कितना लिया, चलो 10 degree Celsius ही लिया, बराबर है। वॉल्यूम कितना है देखो? 1000 ml है मैंने यूज किया है। टेम्परेचर कितना है? 10 degree Celsius ही होगा। अब यहाँ पे जैसे मास था, तो यहाँ पे इसका मास कितना होगा? मास चेंज होगा अभी यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 1000 है तो ऑब्वियसली इसका अप्रोक्सीमेटली मास जो होगा वो 900 ग्राम समथिंग कुछ तो होगा, बराबर है। तो दोनों में अगर आप डिफरेंशिएट देखोगे तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है। फर्स्ट वन हो रहा है इसका वॉल्यूम, वाटर तो सेम है दोनों की जगह, वॉल्यूम यहाँ पे कितना है? 5 ml है, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? क्योंकि कंटेनर बड़ा है तो इसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हुआ।
अनदर इसका मास अगर देखोगे तो मास क्या है यहाँ पे 4 ग्राम था, कम था मास इसका। यहाँ पे मास क्या हो रहा है देखो अभी 900 ग्राम हो रहा है, बट अगर टेम्परेचर देखोगे तो ये 10 डिग्री सेल्सियस ही था। यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। अगर वही पार्ट हम प्रेशर के हिसाब से देखोगे, कंसिडर करते कि इसका जो प्रेशर है वो है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर 180 एम, ठीक है। तो इसका प्रेशर कितना होगा, प्रेशर चेंज होगा क्या? कंटेनर अगर बड़ा है या फिर छोटा है डजंट मैटर, प्रेशर तो चेंज नहीं होगा। प्रेशर भी कितना आएगा 180 एम ही होगा ना। मतलब क्या हो रहा है, दो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है बट दो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट। समझ में? तो ये जो दो प्रॉपर्टी है ये कौन सी हो रही है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। आपने बिकर में वाटर लिया है या फिर बड़े वाला कंटेनर में वाटर लिया है, उसका जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट ही हो रहा है। मतलब दे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन टू सिस्टम। मतलब वो कौन सी हो गई प्रॉपर्टी हमारी, विच वन इज दैट, दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बराबर है। बट अगर ये दो प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये प्रॉपर्टी क्या हो रही, अगर वाटर की लेवल हमने चेंज की मतलब उसका अमाउंट इंक्रीज किया तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में? कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद एग्जांपल। ओके, मैटर का मतलब क्या होता है, जो भी आप ये वहां पे सिस्टम में यूज कर रहे हो, जो भी आप कंटेनर में यूज कर रहे हो कंटेंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था, एक्चुअली वो आप अच्छे से वीडियो देख लो कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैंने वो ट्रिक बताई आपको, इसमें मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, आप देखोगे कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें से विद एग्जांपल्स नाउ। समझ में? आपको रिमेम्बर करना है, मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिए उसी टाइप में आपको भी वहां पे एग्जांपल लेना है और उसके हिसाब से कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए होता है। जितना आप ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे ईच एंड एवरी पॉइंट, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि उसमें क्या चल रहा है। अगर आप जस्ट लर्न करोगे तो कुछ भी समझ में आएगा, केमिस्ट्री जैसा इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। बट अगर आपने लर्न किया मतलब सिर्फ रट्टा करा, तो उससे हार्ड लेसन या फिर उससे हार्ड सब्जेक्ट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। समझ में? तो बेस्ट वे आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी पार्ट अंडरस्टैंड करके ही अच्छे से लर्न करना है ना। समझ में? अच्छे से रीड करो एंड देन लर्न करो, तो समझ में आएगा केमिस्ट्री पार्ट। ओके, सो थैंक यू।